नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। तीन दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद पहुंचे गोरखपुर। विभिन्न कार्यक्रमों में लिया भाग। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। बुधवार को गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। सीएम योगी ने किया 464 करोड़ रुपए की लागत वाली 208 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। कहा, नियमित समय और संयमित जीवन से बदला यूपी के प्रति परसेप्शन। विकास परियोजनाओं का लाभ सबको, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र को, लेकिन कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं। नियत साफ हो तो मिलता है विधाता का भी साथ। संविधान के प्रति आग्रही बनाता है कानून का सम्मान। भाजपा के बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत सीएम ने शहर विधानसभा क्षेत्र के राप्ती नगर मंडल के 5 बूथों की समीक्षा। बूथ पदाधिकारियों से भाजपा के कमजोर रहने के कारणों की ली जानकारी। कहा, बूथ पर सक्रियता बढ़ाकर भाजपा को करें मजबूत। बूथ पदाधिकारियों अपने बीएलओ से मतदाता सूची को कराएं अद्यतन। हर लाभार्थी और आम लोगों से पार्टी कार्यकर्ता बढ़ाएं संवाद। बेमिसाल है गोरक्षपीठ की गुरु शिष्य परंपरा। गोरक्षपीठ और गुरु पूर्णिमा का है अटूट नाता। पीढ़ी दर पीढ़ी गोरक्षपीठाधीश्वरों ने अपने गुरु से प्राप्त लोक कल्याण की परंपरा को किया है विस्तारित। गुरु परंपरा के प्रतीक के तौर पर पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित है गोरक्षपीठ। फरार अभियुक्त शमशेर के घर पर लाउडस्पीकर से अनाउंस करके बांसगांव पुलिस ने किया नोटिस चस्पा। एसपी साउथ ने कहा, अगर अभियुक्त न्यायालय में नहीं करता है आत्मसमर्पण तो न्यायालय से आदेश लेकर मकान की कुर्की की जाएगी कार्यवाही। गोंडा पीएससी से आए 250 रिक्रूट की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर दीक्षांत परेड का किया गया आयोजन। एडीजी जोन अखिल कुमार ने ली पासिंग परेड की सलामी। आरक्षियों को संयुक्त रूप से पद एवं कर्तव्यों का कराया शपथ ग्रहण। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना। कच्ची शराब के एक व्यापारी को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 500 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 3 किलो यूरिया, 2 किलो नौसादर व 1 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का किया वितरण। कहा, 2017 के बाद समाज के हर एक व्यक्ति को योजनाओं का मिल रहा है लाभ। और गुरुवार को श्रावण पर जनपद के सभी मंदिरों की ड्रोन कैमरे से की जाएगी निगरानी। मंदिरों पर पुलिस कर्मियों की लगाई जाएगी ड्यूटी। एसपी सिटी ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। तीन दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। आपको बता दें कि दोपहर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर से एनेक्सी भवन के हेलीपैड पर लैंड हुआ, जहां पर भाजपा के नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से कार द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच गोरखपुर क्लब पहुंचे, जहां पर उन्होंने 463.60 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उसके बाद मुख्यमंत्री बसारतपुर स्थित एक हॉल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बूथ सम्मेलन में भाग लिया और बूथ को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ का दर्शन कर पूजन अर्चन किया। उसके बाद मंदिर में स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर पहुंचे और मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। बुधवार को गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में भाग लेंगे।
अरे सब लोग रोड में अरे आप तो सीधे भी निकाल दो ऐसे कभी कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास परियोजनाओं का लाभ हर तबके को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सभी पात्र लोगों को, लेकिन कानून से खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं। केंद्र व प्रदेश की सरकार इन्हीं संकल्पों के साथ विकास के माध्यम से हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का हर संभव प्रयास कर रही है। इसका परिणाम भी सबके सामने है। सरकार के इन संकल्पों के साथ लोगों के नियमित और संयमित जीवन से यूपी के प्रति परसेप्शन धारणा बदली है। सीएम योगी गुरु पूर्णिमा के एक दिन पूर्व मंगलवार दोपहर बाद जिले की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों को करीब 464 करोड़ रुपए की लागत से आच्छादित करने वाली 208 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गोरखपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि नियत साफ हो तो विधाता भी सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। आज उत्तर प्रदेश एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में सबके सामने है। यह वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले आए दिन दंगे होते थे, आज यहां दंगे नहीं होते। सड़कों पर धार्मिक कार्यक्रम भी नहीं होते हैं। वास्तव में कानून का सम्मान ही हमें संविधान के प्रति आग्रही बनाता है, और जब हम संविधान का सम्मान करते हैं तो वह संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान का प्रतीक बनता है। सीएम ने कहा कि जहां छोटी छोटी बातों पर दंगे होते थे, वहां अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, कुर्बानी को लेकर दंगे नहीं होते। सभी धार्मिक स्थलों से तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर उतार दिए गए हैं। सरकार ने यह तय किया है कि लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल के परिसर तक ही होनी चाहिए। तेज आवाज से आसपास रहने वाले बुजुर्ग मरीजों को दिक्कत हो सकती है और लोक स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी तेज आवाज में लाउडस्पीकर बज रहे हों, नागरिक उसकी सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था, निवेश और रोजगार का संगम बन गया है। कानून व्यवस्था मजबूत होने से निवेश की अपार संभावनाएं आगे बढ़ी हैं और उन निवेश की संभावनाओं से रोजगार और नौकरी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5 जुलाई को सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और उसके पहले 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया। इसमें 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 20 लाख लोगों को परोक्ष रोजगार का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज उत्तर प्रदेश देश की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यहाँ नौजवानों के लिए रोजगार है तो किसानों का सम्मान, विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं हैं तो गरीबों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं। सीएम योगी ने कहा कि कभी पूर्वांचल के लिए अभिशाप बन रही इंसेफ्लाइटिस पर पाए गए प्रभावी नियंत्रण की चर्चा करते हुए कहा कि अगले 2 साल में सामूहिक प्रयासों की बदौलत हम इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश करने में सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि 1977 से 2017 तक माह जुलाई से नवंबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता दिमागी बुखार को लेकर सशंकित रहती थी, ना जाने कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए।
पूर्व की सरकारों में इसे लेकर संवेदना नहीं थी, पर आज शासन प्रशासन और जनता के सामूहिक प्रयासों से इंसेफ्लाइटिस पर 95% नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया। यह इस बात को भी प्रमाणित करता है कि लोक स्वास्थ्य केवल स्वास्थ्य विभाग का मामला नहीं है, बल्कि इसमें आमजन की दिनचर्या में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल व जागरूकता का भी बहुत महत्व है। सीएम योगी ने कहा कि हमें लापरवाह नहीं होना है, अनुशासित जीवन के साथ ऐसे ही सामूहिक प्रयास करते रहना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में पीएम मोदी के मार्गदर्शन में मिले एम्स गोरखपुर और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध बेहतरीन सुविधाओं का भी उल्लेख किया। सीएम योगी ने कहा कि जन अपेक्षाओं को पूरा करते हुए गोरखपुर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। यहां खाद कारखाने में उत्पादन शुरू हो चुका है। 750 से अधिक बेड के साथ एम्स पूर्वांचल के लोगों की चिकित्सा सेवा कर रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा का बेहतरीन केंद्र बनकर उभरा है। सड़कों का चौड़ीकरण हो या सुचारू विद्युत आपूर्ति, बाढ़ सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर की अनेक छोटी छोटी योजनाएं व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाओं के लिए पैसा देती है, अधिकारी उन योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, लेकिन विकास कार्यों के संरक्षण का दायित्व जनता का है। जनता जब अपने दायित्व से जुड़ेगी तो यह शहर और प्रदेश देश में अग्रणी बनेगा। सीएम योगी ने कहा कि योजनाएं पूर्व की सरकारों में भी बनती थी, लेकिन तब उसके तबके को ही इनकी जानकारी नहीं होती थी जिनके लिए योजनाएं बनाई जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व नेतृत्व में न केवल जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई, बल्कि उनका लाभ बिना जाति, मत, मजहब, क्षेत्र के भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि बीते 5 साल में प्रदेश में 45 लाख गरीबों के आवास बनाए गए, 8.30 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम निधि योजना का लाभ दिलाते हुए व्यवस्थित किया गया, 1.67 करोड़ गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। अब सरकार इन कनेक्शनधारियों को दिवाली व होली में मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर भी देने जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना काल की चर्चा करते हुए कहा कि वह एक ऐसा दौर था जहां अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया था। उस समय भी यूपी सरकार पीएम मोदी के मार्गदर्शन में पूरी ईमानदारी व प्रतिबद्धता से नागरिकों के जीवन व जीविका को बचाने का भरसक प्रयास कर रही थी। नागरिकों को मुफ्त टेस्ट, मुफ्त उपचार व मुफ्त वैक्सीन की सुविधा दी गई। अब तक उत्तर प्रदेश में 34 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। यही नहीं, यूपी में 2-2 बार मुफ्त राशन भी प्रदान किया गया। यूपी ऐसा पहला राज्य है जहां मुफ्त राशन के साथ दाल, तेल, नमक और अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त चीनी भी दी जा रही है। सरकार का यह संकल्प है कि आपदा का सामना करेंगे, लेकिन कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलवायु परिवर्तन के खतरों से आगाह करते हुए अपील की कि हर परिवार हर एक सदस्य के नाम पर एक पौधा अवश्य रोपित करे। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून 1 माह लेट है, इसका प्रभाव फसल चक्र और किसानों की आय पर पड़ेगा। सरकार सतर्क है और इसे लेकर अपने स्तर पर व्यवस्थाएं कर रही है। जलवायु परिवर्तन में वनों की अनियमित कटान एक बड़ा कारक है। हम अभी सतर्क नहीं हुए तो प्रकृति के विपरीत आचरण का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अधिकाधिक वृक्षारोपण प्रकृति के घाव पर मरहम समान होगा। उन्होंने पीपल, बरगद, आम, जामुन, पाकड़, अर्जुन जैसे औषधीय व छायादार वृक्षों को लगाने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि हम वर्तमान में आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे हैं। 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होंगे और हमें इस उत्सव में सहभागी बनना है। आजादी का अमृत महोत्सव यादगार बने, इसके लिए हमें स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सेनानियों के सम्मान जैसे कार्यों से जुड़कर अगले 25 वर्ष की कार्य योजना भी बनानी चाहिए। अगले 25 वर्षों के लिए सरकार का संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने का है। इस संकल्प में सभी को भागी बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें यह तय करना होगा कि देश की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हम कैसा गांव, मोहल्ला, प्रदेश, देश व समाज देखना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से इस संबंध में सरकार की विस्तृत कार्य योजना से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि 11 से 17 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लहराया जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि आन बान शान और सम्मान का प्रतीक तिरंगा अपने अपने घरों पर फहराने की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए तथा स्वच्छता सेनानी परिजनों के सम्मान, स्कूलों के जीर्णोद्वार जैसी योजनाओं में सहभागी बनिए। इस अवसर पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा
कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2017 से गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश पर विकास परियोजनाओं की बारिश हो रही है। गोरखपुर में तो अभूतपूर्व व अकल्पनीय विकास हुआ है। यहाँ रामगढ़ताल फिल्मों की शूटिंग के लिए पसंदीदा स्थान बन चुका है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। आज गोरखपुर के विकास की चर्चा पूरे देश में है। स्वागत संबोधन गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह व आभार ज्ञापन महापौर सीताराम जायसवाल ने किया। लोकार्पण व शिलान्यास समारोह में बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह, विधायकगण श्रीराम चौहान, महेंद्र पाल सिंह, राजेश त्रिपाठी, श्रवण निषाद, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ला, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांग जन का जीवन सुगम बनाने के लिए उन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की, साथ ही बच्चों को दुलार कर अन्नप्राशन कराया। सीएम ने पोषण आहार की टोकरी प्रदान कर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की। परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने से पूर्व सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों यथा कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा आदि की तरफ से लगाए गए स्टालों का अवलोकन भी किया। मन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम स्वनिधि योजना, पीएम आवास योजना, कृषि यंत्र योजना, सीएम आवास योजना, ग्रामीण आयुष्मान भारत योजना, पॉली हाउस योजना, ड्रिप सिंचाई योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आदि के पात्रों को लाभान्वित किया। मुख्यमंत्री ने 298,81,72,000 रुपये से अधिक की लागत वाली 181 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व 164,77,95,000 रुपये से होने वाले 27 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। लोकार्पित परियोजनाओं में बांसगांव उरुआ मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, मानीराम बालापार टिकरिया गांगी बाजार मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, गुलरिहा रामनगर मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, पीपीगंज अकटहवा कल्याणपुर नवापार मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, रोही नदी के बाएं तट पर बन रहा तटबंध का सुदृढ़ीकरण व उच्चीकरण, वसुंधरा मोड़ से तुर्रा नाले तक आरसीसी नाले का निर्माण कार्य शामिल है। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ उनमें बाढ़ बचाव व सड़क निर्माण की परियोजनाएं शामिल हैं। ग्रामीण के माननीय विधायक आदरणीय श्री सरगण प्रसाद जी, और जैसा कि हमारे बीच में रहते हैं और जब भी गोरखपुर आते हैं तो इस तरह की परियोजनाओं से आप सभी अपना आभार और अपना प्रणाम निवेदित करें। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। अपना सिंह जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री सीताराम जायसवाल जी माननीय महापौर नगर निगम, श्री सरवन निषाद जी माननीय विधायक चौरी चौरा, श्री प्रदीप शुक्ल जी भाजपा, श्री धर्मेंद्र सिंह जी माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा, आप सभी का हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। पुनः एक बार वंदन प्रदेश विकास के लिए कृत संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हर बार गोरखपुर के तर पाने का होता है। आपका आगमन उस अभिभावक की भांति ही हमें आह्लादित करता है जो बहुत जिम्मेदार, सतर्क, सजग और चाहे परिस्थितियां भाग्यशाली हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन के लिए नित नए नए गोरखपुर सदर सांसद आदरणीय सुखी जी, बांसगांव के सम्मानित सांसद भाई कमलेश पासवान जी, जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय साधना सिंह जी, गोरखपुर महानगर के महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, सभी सम्मानित विधायक आदरणीय महेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, आदरणीय श्रीराम चौहान जी, आदरणीय प्रदीप शुक्ल जी, आदरणीय डॉक्टर विमलेश पासवान जी, आदरणीय इंजीनियर सर्वन निषाद जी, सम्मानित
हमारे बड़े भाई क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय गर्भित सिंह जी, महानगर अध्यक्ष भाई राजेश गुप्त जी, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, सभी सम्मानित मातृशक्तियां, मीडिया के सभी हमारे सम्मानित साथी मित्रों, शायद आपकी चुनाव के बाद पहली बार पुत्र महाराज जी का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम 2017 के बाद आधुनिक विकास और प्रगति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। औद्योगिक विकास के साथ तेजी से आगे बढ़ते गोरखपुर में आज युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से एयर कनेक्टिविटी और गोरखपुर के संचालन से विकास के साथ तेजी से आगे बढ़ते गोरखपुर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। किसानों को यूरिया एवं करवाने के लिए दशकों से गोरखपुर खाद कारखाना फिर से शुरू करवाया और पिपराइच में ₹82 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही 164.78 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। निसंदेह इससे हम भविष्य में बहुत सुधार दिल्ली अगर हम लाभान्वित हो रहे हैं। श्री दिलीप सर, थोड़ा इधर सामने देखना, बाबू सामने देखना, सामने देखो। अभी अंतर्गत लाभार्थी हैं श्रीमती संजू देवी, इधर देखिए बासा जी। अगला क्रम है श्रीमती संजू देवी, गुरीता देवी। मंच पर सामने श्रीमती संजू देवी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित हो रही है। भारत माता की जनपद गोरखपुर की 208 विकास परियोजनाओं जिन पर 463.59 करोड़ रुपए की लागत से जो परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या जिन्हें पूरा होना है, इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज यहाँ मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री श्रीराम चौहान जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री श्रवण निषाद जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, आज के इस शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले, कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले गोरखपुर वासियों को 463 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के लिए बधाई देता हूँ। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूँ। विकास हम सबके जीवन में परिवर्तन ला सकता है और इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में विकास की परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना ये केंद्र और प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है।
बिना भेदभाव के विकास का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो सके, प्रत्येक नागरिक के जीवन में इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्य के साथ में केंद्र और प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। विकास सबका, योजनाओं का लाभ भी सबको, जाति मत मजहब क्षेत्र या भाषा के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं, इस संकल्प के साथ जब सरकार कार्य करती है, इसने प्रदेश के प्रसेप्शन को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। भाइयों बहनों, आज हम संभव हो पाए हैं कि इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं प्रदेश के हरेक जनपद में धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। गोरखपुर जनपद में विकास की इन परियोजनाओं के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को अथक परिश्रम करना पड़ता है। उन्होंने प्रस्ताव समय से भिजवाया, सरकार ने समय पे पैसा दिया, प्रशासन ने उन योजनाओं को समयबद्ध ढंग से लागू किया, आज इन योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर हरेक जनपद में विकास की छोटी हो या बड़ी परियोजना बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को जहां प्राप्त हो रही है और वह प्रदेश के आर्थिक उन्नयन में अपना योगदान दे पा रही है, तो वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो रहा है। कोई अनुमान करता था कि 5 वर्ष में 45,00,000 गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध हो जाए। हम लोगों ने यह तो देखा था कि स्ट्रीट वेंडर को, पटरी व्यवसायियों को लोग हटाते थे, उन्हें शोषण का जरिया बनाते थे, लेकिन व्यवस्थित रूप से उन्हें योजनाओं के साथ जोड़ करके उनके जीवन में उन्नयन लाया जाए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कोई भी ईमानदार प्रयास इससे पहले नहीं हो पाया था। और उसी का परिणाम था कि योजनाएं तो बनती थी, लेकिन जिस तबके के लिए योजना बनती थी उसे उस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। आज प्रदेश के अंदर 8.5 लाख स्ट्रीट वेंडर प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के साथ जुड़ करके योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वो ये सोचता था कि गरीब के लिए भी इलाज मुफ्त में हो जाए। हमारे सरकारी हॉस्पिटल में यद्यपि मुफ्त में उपचार की सुविधा थी, लेकिन दवा नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं था। 17 के पहले तो यही स्थिति प्रदेश के अंदर थी, लेकिन आज आयुष्मान भारत की योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हरेक व्यक्ति को जो भी जरूरतमंद है 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना यह शासन की गरीब कल्याणकारी योजना का ही प्रतीक है। 1,67,00,000 गरीबों को जिन्होंने कभी भी ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी सिलेंडर के दर्शन नहीं किए थे, उन्हें फ्री में कनेक्शन मिलना, फ्री में कनेक्शन उपलब्ध होने के बाद अब सरकार ने यह तय किया है कि दीपावली और होली के अवसर पर उन्हें एलपीजी का सिलेंडर सरकार के द्वारा फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य भी कराया जाएगा। 1,67,00,000 परिवार इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में आपने इस बात को महसूस किया होगा कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में जब आपने देखा होगा कोरोना महामारी के दौरान, सेकेंड वेव के दौरान ऐसी बीमारी और ऐसी संक्रमण कभी ना आए, किस प्रकार की स्थितियां थी, अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया था। दुर्भाग्य से अगर किसी परिवार के किसी सदस्य को कोरोना हो गया तो परिवार के लोगों ने मुंह मोड़ लिया था, लेकिन उस समय भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश का मार्गदर्शन और नेतृत्व दे रहे थे। और मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर सेवा का अवसर मिला तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने भी पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन के जीवन को बचाने का काम भी किया और उनकी जीविका को बचाने के लिए भी भरसक प्रयास किए। आपने
मिलेगा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। अब तक प्रदेश के अंदर 34 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं, और यही नहीं, वैक्सीन फ्री में देने के साथ ही फ्री में राशन की सुविधा भी, और वह भी महीने में दो दो बार। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो फ्री में राशन के साथ दाल, तेल, नमक और अंत्योदय परिवार को चीनी भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। यानी कोई गरीब भूखो न मरे, आपका हम सामना करेंगे, लेकिन गरीब के हितों के लिए भी कार्य करेंगे। और सरकार ने इस कार्यक्रम को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाया। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश में बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से निवेश आएगा और निवेश के माध्यम से नौकरी और रोजगार मिलेगी? अभी आपने देखा होगा नई सरकार के गठन के 100 दिन पूरे हुए थे 5 जून को, उससे 5 जुलाई को 3 जून को प्रधानमंत्री जी ने 80,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर शिलान्यास करके 5 लाख नौजवानों को प्रत्यक्ष और 20 लाख नौजवानों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के द्वार भी खोले। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपना एक स्थान बना रही है। यहां पर नौजवान के लिए रोजगार भी है, अन्नदाता किसान का सम्मान भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हैं, तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है। ये जुलाई का महीना है भाइयों बहनों, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग 1977 से लेकर 2017 तक, जुलाई से लेकर के नवंबर तक हमेशा सशंकित रहते। जो आशंका उनके मन में रहती थी, यह आशंका रहती थी मस्तिष्क ज्वर यानी दिमागी बुखार से होने वाली मौत के बारे में, न जाने कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। पहले सरकारों ने उपचार की व्यवस्था भी नहीं की थी, संवेदना भी नहीं की। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने गोरखपुर में एम्स दिया और एम्स का उद्घाटन भी हो चुका है, एम्स अपना कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया है। आज एम्स में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है। गोरखपुर का बिहारी मेडिकल कॉलेज अब प्रदेश के अंदर उपचार का बेहतरीन केंद्र बन चुका है, और बेहतरीन प्रबंधन के माध्यम से दिमागी बुखार यानी मस्तिष्क ज्वर नियंत्रण के नजदीक आ चुका है। मस्तिष्क ज्वर से होने वाली 95% मौतों को नियंत्रित किया जा चुका है। अगर एक बार सभी लोग, जनता, जनार्दन, प्रशासन, शासन, सभी विभाग एक साथ मिलकर के कार्य आगे बढ़ा देंगे, तो अगले 2 वर्ष के अंदर इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश करके इसको पूरी तरह उखाड़ने में भी सफलता प्राप्त हो जाएगी, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूमों के लिए कभी काल्पनिक इंसेफ्लाइटिस की बीमारी को पूर्णतः नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण इस बात को प्रमाणित करता है कि लोक स्वास्थ्य ये केवल और केवल यह स्वास्थ्य विभाग का कार्य नहीं, लोक स्वास्थ्य का विषय आम जनमानस की दिनचर्या पर भी और उनके जीवन में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल और उनकी स्वयं की संयमित और नियमित दिनचर्या पर भी निर्भर करता है। और लोक स्वास्थ्य के कार्यक्रम को हम तभी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा लेंगे जब हर व्यक्ति अनुशासित जीवन जीते हुए अपने जीवन में स्वच्छता का महत्व रखते हुए शासन के बताए गए दिशा निर्देशों को समय समय पर पालन करता हुआ आगे दिखाई देगा, तो उसका लाभ उसे निरंतर प्राप्त होता रहेगा। आज इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। भाइयों बहनों, इंसेफ्लाइटिस के बेहतरीन नियंत्रण के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोगों को लापरवाह नहीं होना है। अभी हमें इसकी सावधानी, जिसके प्रति आवश्यक सतर्कता और सावधानी है, इसका ध्यान में रखते हुए स्वच्छता के प्रति, शुद्ध पेयजल के प्रति निरंतर सतर्क रहते हुए जहां कहीं भी गंदगी हो उसको वहां से हटाने के लिए
हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। इस समय जुलाई का महीना है, यद्यपि मानसून लेट है, अब तक मूसलाधार बारिश पड़ती, इसलिए बाहर कार्यक्रम करने की बजाय हम लोगों को मैरिज हॉल में कार्यक्रम भी करना पड़ा। लेकिन मेरी आप सबसे अपील होगी, आज गोरखपुर विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गोरखपुर की जितनी भी अपेक्षाएं थी बंद फर्टिलाइजर कारखानों को चलाने का, वह प्रारंभ हो चुका है। एम्स बनाने का, एम्स न केवल स्थापित हुआ है बल्कि एम्स यहां पर अपनी उपचार की सुविधा के साथ साथ 750 से अधिक बेड्स के साथ उपचार की बेहतरीन सुविधा गोरखपुर वासियों को उपलब्ध करा रहा है, पूर्वांचल वासियों को उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है। बिहारी मेडिकल कॉलेज के पुनरुद्धार का मामला हो, गोरखपुर की सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो, और विद्युत की अनियमित आपूर्ति पर ब्रेक लगाते हुए विद्युत की आपूर्ति को नियमित बनाने का कार्य हो, या विकास की छोटी बड़ी वे सभी परियोजनाएं जो बाढ़ से जुड़ी हुई थी, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी, शिक्षा से जुड़ी हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई थी, इन सभी को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया। सरकार पैसा दे सकती है, उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा भी कर सकती है, लेकिन उनके संरक्षण का दायित्व जनता जनार्दन को स्वयं लेना होगा। ये शहर हमारा है, इस शहर के प्रति हमारा दायित्व है, इस शहर के स्वच्छता, इसकी सुंदरता, इनके संरक्षण का दायित्व भी हमारा है। इस सामूहिक रूप से अगर हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो सचमुच आपका शहर और आपका प्रदेश धीरे धीरे करके फिर से देश के अंदर अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बनाएगा, और उस दिशा में एक सामूहिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मेरा गोरखपुर वासियों से एक अपील होगा, हर परिवार अपने परिवार के, हर नागरिक अपने परिवार के हर सदस्य के नाम पर एक पौधा जरूर रोपित करें, एक पेड़ अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम पर, कहीं भी आपकी स्वयं की जमीन हो, सार्वजनिक जमीन हो, पेड़ लगाना और उसकी सुरक्षा भी करना। आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मानसून एक महीने लेट हो चुका है, इसका प्रभाव इस फसल चक्र पर पड़ेगा, किसानों की आय पर पड़ेगा। एक महीने लेट मानसून का दुष्परिणाम वास्तव में अन्नदाता किसानों के साथ साथ आम नागरिक को भी भुगतना पड़ सकता है, लेकिन हम सबको इसके प्रति हम सतर्क हैं, सरकार सतर्क है, सरकार अपने स्तर पर पूरी व्यवस्थाएं कर रही है, और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण अनियमित वनों की कटान भी रही है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी रही है। हम जब प्रकृति के विपरीत आचरण करने लग जाएंगे और प्रकृति का दोहन अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए करने लग जाएंगे तो उसका खामियाजा अंततः जीव सृष्टि को भुगतना ही पड़ेगा, और आज वह स्थिति हम सबके सामने है। इसमें जो घाव किए हैं मनुष्यों ने, उस घाव पर मलहम लगाने का एक कार्य होगा अधिकाधिक वृक्षारोपण। वृक्षारोपण में एक औपचारिकता नहीं, वृक्षारोपण में भी हम लोग पीपल है, पाकड़, नीम, बरगद, आम, देसी आम, जामुन, अर्जुन और उस प्रकार के पेड़ों को लगे कि जो वास्तव में एक लंबे समय पर छाया के रूप में, औषधि के रूप में, लोगों के लिए प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दे सके, और आने वाली पीढ़ी उन पेड़ों के माध्यम से उनकी छाया के नीचे उनके संरक्षण में अपना जीवन यापन आगे बढ़ाने में भी उन्हें सहायता प्राप्त हो सके। भाइयों बहनों, जहां हमें प्रकृति के प्रति आगाह होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, वहीं साथ ही साथ हमें आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष का साक्षी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 15 अगस्त 2022 को जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा, उस दौरान भारत की आजादी के उस उत्सव में हम सब सहभागी बनेंगे। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में केवल उत्सव में सहभागी
से नहीं बल्कि आजादी का यह अमृत महोत्सव आपके लिए यादगार बन जाए, हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए, हर जनपद के लिए यादगार बने, इसका अभियान चलना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में? आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण के साथ साथ हम समाज की व्यवस्था को इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर सके कि आज आप आजादी के अमृत महोत्सव यानी 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जब एक देश अपनी आजादी के 100 साल की यात्रा पूरी कर रही होगी, इन 25 वर्षों की हमारी सकारात्मक कार्य योजना क्या होगी? कार्य योजना किस रूप में हमें आगे बढ़ाना है? हमें अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने वार्ड को, अपने समाज को, अपने देश को कहां लेके जाना है? कौन सी हमारी कार्य योजना है? एक कार्य योजना आपकी होगी, कार्य योजना सरकार की भी है। सरकार इस अवसर पर विद्यालयों को ध्यान में रख करके ग्राम विकास, पंचायती राज, नगर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग और सभी संबंधित विभागों को जोड़ करके अपनी विस्तृत कार्य योजना के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रही है। और कार्यक्रम में एक संकल्प ये भी होगा कि भारत के आन मान शान का प्रतीक है तिरंगा, हर घर पर तिरंगा लहराएगा और 11 से 17 अगस्त के बीच हम में से हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि एक सप्ताह के लिए अपने घरों पर भारत के आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराने की तैयारी, तिरंगा अभी से खरीदना और अपने अपने घरों में लगाने की व्यवस्था, सम्मानजनक ढंग से लगाने की व्यवस्था, तिरंगा को लगाने के साथ ही उन कार्यक्रमों में हम सहभागी बने। जहां स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा होगा वहां स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ हम जुड़े, जहां आजादी के दीवानों का स्मृति में कार्यक्रम आयोजित हो रहे होंगे उन कार्यक्रमों को सफल बनाना, जहां देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के परिजनों को देश के विभिन्न युद्धों में और देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों के परिवार वालों के सम्मान का कार्यक्रम होगा वहां उस कार्यक्रम में सहभागी बनना, जहां शिक्षण संस्थाओं के पुनरुद्धार और उनके सुंदरीकरण के कार्यक्रम हो उन कार्यक्रमों में सहभागी बनने की आवश्यकता होगी हम उसके साथ जुड़ेंगे। सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हरेक तबके को प्राप्त हो, जहां हमें योजनाओं के साथ जुड़ना होगा हमें वहां पर भी जुड़ना होगा, हरेक कार्यक्रम के साथ अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अगर हम आगे बढ़ सकेंगे तो आपका संकल्प भी पूरा होगा और केंद्र और राज्य सरकार की जिस संकल्पना को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारा संकल्प आज का आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही आगामी 25 वर्षों के विस्तृत कार्य योजना को आगे बढ़ाने की होगी, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाताकत के रूप में स्थापित करने के सपने को साकार करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ हम सबको बढ़ चढ़ करके भाग लेना है और ये आजादी का अमृत महोत्सव का संकल्प हम सबका होना चाहिए। और मैं गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक से, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से अपील करूंगा कि हम सब इस अभियान के साथ जुड़े हैं। भाइयों बहनों, अगर नियत साफ हो तो अपने आप ही विधाता आपका संरक्षण भी देता है और आपको सफलता की ऊंचाई तक भी पहुंचाता है। आपने विगत 100 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश की कार्यपद्धति को देखा होगा। उत्तर प्रदेश आज एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में दिखाई दे रहा है। याद करिए 2017 के पहले एक उत्तर प्रदेश था जहां यहां पे रोज एक नया दंगा होता था, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। विगत 5 वर्ष के अंदर कहीं आपने दंगा देखा? आज दंगा नहीं है और दंगे की बात तो दूर, अब तो सड़कों पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सरकार का संकल्प है और सरकार के संकल्प के साथ जनता जनार्दन की सहभागिता उनका आशीर्वाद है। तो ये कार्यक्रम आपने देखा है, जो परंपरागत आयोजन है, खासतौर पर अगर कोई शोभा यात्रा पहले से अनुमति लेकर के आयोजित है उन कार्यक्रमों को सरकार एक एफिडेविट लेकर के, शपथ पत्र लेकर के आयोजित करने में योगदान देगी। लेकिन
जहां पर पहले से स्थान तय है कि इसी स्थान पर एक धार्मिक कार्यक्रम होने हैं, हम उन कार्य योजनाओं को उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करें। कानून का सम्मान हमें संविधान के प्रति आग्रही बनाता है, संविधान का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। संविधान का सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारे सम्मान का प्रतीक होता है, और इस हम सब हर हर भारतवासी का दायित्व बनता है कि वह अपने संविधान के रूप आचरण करते हुए आगे बढ़े, अपने देश के बारे में सोचे, अपने समाज के बारे में सोचे। आज आप देख रहे होंगे जहां छोटी छोटी बातों के लेकर दंगा होता था, कुर्बानी को लेकर के दंगा होता था, सड़कों में नमाज पढ़ने को लेकर दंगा होता था। आपने देखा होगा कुर्बानी को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ, इस बात समय पर कोई नमाज नहीं है, धर्मस्तंभ से माइक उतर गए या उनकी वैल्यू कम हो गई। और मैं तो कहूंगा अगर आपके अगल बगल कोई किसी धर्मस्थल पर बहुत तेजी के साथ बजाने का कार्य, माइक को बजाने का कार्य कर रहा, नजदीक के थाने को इसकी सूचना लिखित सूचना देकर के मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करवा दीजिए, आप देखेंगे वो स्वयं ही अपनी आवाज और अपने उस दायरे में आएगी जिस दायरे में उस आवाज को होनी चाहिए। किसी भी धर्मस्थल की आवाज उसके परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए, यह एक संकल्प हम सबका होगा। क्योंकि अगल बगल कोई भी बीमार व्यक्ति हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, कोई नवजात शिशु हो सकता है, तेज आवाज उसकी बीमारी का कारण हो सकता है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है, किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए, लोक व्यवस्था को भंग करने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। एक अनुशासित जीवन ही, एक नियमित और सैनिक जीवन ही हमेशा किसी समाज को, किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ा सकती है। और ये नियमित और सैनिक जीवन ने ही उत्तर प्रदेश के प्रसिद्धिशन को बदला है, उत्तर प्रदेश के अंतर के बारे में देश और दुनिया की धारणा को बदला है, और आज धारणा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सब संकल्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज 298 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से 181 परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, और 164 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत की 27 परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। ये कार्यक्रम गोरखपुर में नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से संबंधित भी है, 99 परियोजनाएं ऐसी हैं, लोक निर्माण विभाग से जुड़ी भी 42 परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की है, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से 24 परियोजनाएं ऐसी हैं जो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से जुड़ी हुई हैं, बाढ़ खंड से जुड़ी हुई 5 परियोजनाएं हैं, ऐसे ही राजकीय निर्माण से संबंधित ड्रेनेज आदि से जुड़े हुए भी 2 परियोजनाएं हैं। ये सभी कार्य गोरखपुर के विकास के लिए, कोई स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, कोई स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ है, कोई सड़कों के निर्माण से जुड़ा हुआ है, कोई जल निकासी से जुड़ा हुआ है, अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम का यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से गोरखपुर की इन सभी परियोजनाओं का लाभ गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो, पूर्वांचल वासियों को प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ आज मैं आप सबको इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि विकास के प्रति हमारी सोच हम सबको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को शहर विधानसभा क्षेत्र के राप्ती नगर मंडल के 5 बूथों पर भाजपा की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथों पर सक्रियता बढ़ाकर भाजपा को मजबूत करने का आह्वान किया। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भाजपा के बूथ पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद शुरू की है। विधानसभा चुनाव में जिन बूथों पर कम मतदान हुआ अथवा जहाँ भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा उन्हें चिन्हित किया गया है। बूथ सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत ऐसे कमजोर बूथों को जीतने के लिए बूथवार रणनीति बनाई जा रही है। इन बूथों पर पार्टी की स्थिति मजबूत करने की जिम्मेदारी पार्टी नेताओं को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एमबीएस बैंक्वेट हॉल में शहर विधानसभा क्षेत्र के राप्ती नगर मंडल के 5 बूथों, बूथ संख्या 137, 138, 139, 140, 141 पर पार्टी की स्थिति की पार्टी व बूथ पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की। इन बूथों पर विधानसभा चुनाव में अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ था।
मुख्यमंत्री ने सभी बूथ अध्यक्ष और समिति के सदस्यों पर से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हर बूथ के बूथ अध्यक्ष से अलग अलग संवाद कर यह जानना चाहा कि उनके बूथ कमजोर क्यों हैं। उन्होंने बूथ मजबूत करने के लिए सशक्त बूथ कमेटी के गठन पर जोर देते हुए कहा कि काम कठिन हो सकता है लेकिन संभव है। उन्होंने बूथ पदाधिकारियों से यह जानना चाहा कि उनके यहाँ सरकार की योजनाओं को कितने लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कम मतदान होने की वजह पूछी। बूथ पदाधिकारियों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कई पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। मतदाता सूची में नाम की गड़बड़ी के कारण बहुत सारे लोग वोट नहीं डाल सके। मुख्यमंत्री ने इसको गंभीरता से कहा कि बूथ पदाधिकारियों को अपने बीएलओ से नियमित संपर्क कर मतदाता सूची की गड़बड़ियों को दूर कराएं, पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए, युवाओं को मतदाता बनाने पर खास जोर दिया जाए, जो लोग वहां नहीं रहे उनका नाम मतदाता सूची से हटवाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने बिना किसी भेदभाव के लिए समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया है। सरकार की योजनाओं का अनगिनत लोगों को लाभ मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ता हर लाभार्थी और आम लोगों से संवाद करें। उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताएं, शासन की योजनाओं को लाभपात्र लोगों को दिलाने में मदद करें। हर बूथ पर महिलाओं को अपनी टीम से जोड़ें, महिलाओं को नजरअंदाज ना करें, उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में आमंत्रित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बूथ पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करना होगा। वार्ड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ शहीद के परिवार होंगे, उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में बुलाएं, उन्हें सम्मानित करें। समस्याओं के समाधान के लिए सिर्फ बातचीत ना करें बल्कि इसका समाधान भी कराएं, इससे लोगों में भाजपा की विश्वसनीयता बढ़ेगी। बैठक की प्रस्तावना महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने रखी। अध्यक्षता राप्ती नगर मंडल अध्यक्ष अजय मणि त्रिपाठी ने की। बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व सांसद रवि किशन शुक्ल समेत 5 बूथों के अध्यक्ष व पदाधिकारी मौजूद थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता और सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा। इस बूथ पे कुल कितने वोटर हैं? 720।
720 है और क्या क्या काम करते हैं लोग? हमारे कॉलोनी में रेलवे कॉलोनी है, सारे रेल एम्प्लॉई हैं, सब रेल के ही कर्मचारी हैं। जी, हमारे यहाँ सारे रेल एम्प्लॉई कॉलोनी में, लेकिन जैसे व्यवसाय जो करते हैं उनके फैमिली मेंबर करते हैं, जैसे कुछ लोग बिहार से आके बसे हुए हैं तो यहाँ रेलवे नौकरी करते हैं, तो लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं या फिर ट्रांसफर हो जाता है तो वो लोग चले जाते हैं अपने गाँव या चले जाते हैं। ये सब आपका जो बूथ है पूरा सरकारी रेलवे की कॉलोनी है, स्वच्छता का कार्यक्रम क्या बीजेपी के साथ आगे बढ़ा देना, अन्य शासन की लाभार्थी प्रक योजनाओं का लाभ। सशक्तिकरण अभियान केंद्र के द्वारा चलाया जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी जिन बूथों पर हारी हो या जो बूथ हमारे कमजोर हो, जहां वोट का परसेंटेज कम हो, ऐसे बूथों पर हम सभी बूथ सशक्तिकरण अभियान चला रहे हैं। उसी निमित्त आज गोरखपुर शहर विधानसभा के जो 49 बूथ हैं उसमें से 5 बूथों की ये बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी, चूँकि हम सबका सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधायक भी हैं शहर विधानसभा से, केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया था कि हमारे सभी विधायक और सभी सांसद इस बूथ सशक्तिकरण अभियान में खुद जाएंगे, बूथ समिति के साथ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे ताकि उस बूथ पे हम और कितना अच्छा कर सकें कि भविष्य में उन बूथों को चुनाव जीत सकें। इसी निमित्त आज हम सबका सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी हमारे वहाँ से विधायक भी हैं, तो आज उसी कड़ी में वो खुद चलकर बूथ समिति की 5 बूथ समिति की बैठक लिए, 5 बूथ समिति के सदस्यों से संवाद किए और कारण जानने का प्रयास किए कि हम वहाँ क्यों कमजोर हैं ताकि भविष्य में हम वहाँ चुनाव जीत सकें। मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि चूँकि ये बूथ जो 5 बूथों की बैठक हुई है ये रेलवे से संबंधित बूथ थे, इसमें तमाम लोग अपना घर छोड़ के चले गए हैं, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बूथ के हमारे समिति के लोग मिल के उन फर्जी वोटरों को जो अब यहाँ से चले गए हैं उनका नाम कटवावें, जो नए वोटर हैं उनका नाम जोड़वावें, निश्चित ही जब ये कार्यक्रम पूरा होगा तो हम वो बूथ 100% जीतेंगे, ये हम सबको पूरा विश्वास है। 24 में क्या मंजूर है? 24 ये सब 2024 की ही तैयारी चल रही है ताकि हमारा कोई भी बूथ कमजोर बूथ न रह जाए, जो कमजोर बूथ हैं उनके छांट कर हमारे पदाधिकारी लगाए गए हैं, सभी माननीय सांसद माननीय विधायकगण लगाए गए हैं, उन सभी कमजोर बूथों पे जा रहे हैं, वहाँ पे लाभार्थियों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं ताकि भविष्य में 2024 में हम उन बूथों को जीत सकें। बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, और यादव समाज वैसे वोट कर रहा है, मुसलमान समाज वोट कर रहा है, मुसलमान समाज की तो हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को महाराज जी ने एक अलग ब्लड संचार किया, उनके अंदर एक अलग ऊर्जा दी और कहा कि आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नड्डा जी, जैसे जैसे जो जो कार्यशैली को बताएं, बंसल भाई साहब, हम लोग उसी कार्यशैली को लेके, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष जी राजेश गुप्ता जी, सब लोगों के साथ, जिला अध्यक्ष जी के साथ हम लोग कार्य पर लगे। 80 की 80 लोकसभा सीट हम लोग जीत रहे हैं। गुरु को हमारी सनातन संस्कृति गोविंद भगवान से भी ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित करती है। गुरु का ध्येय समग्र रूप से लोक कल्याण होता है और इसकी दीक्षा भी वह अपने शिष्य को देता है। गुरु परंपरा के आईने में देखे तो नाथ पंथ की विश्व प्रसिद्ध गोरक्षपीठ बेमिसाल है। पीढ़ी दर पीढ़ी गोरक्षपीठाधीश्वरों ने अपने गुरु से प्राप्त लोक कल्याण की परंपरा को विस्तारित किया है। वर्तमान पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ इसे निरंतर ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। नाथ पंथ मुख्यतः गुरु गम्य मार्ग है, इस लिहाज से गोरक्षपीठ और गुरु पूर्णिमा का अटूट नाता है।
गुरु शिष्य परंपरा इस पीठ के मूल में है। गुरु परंपरा से ही नाथ परंपरा आगे बढ़ी है। यही वजह है कि गोरक्ष पीठ को गुरु परंपरा के प्रतीक के तौर पर पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित है। हर काल में इस परंपरा को कायम रख पीठ ने कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। शिव अवतारी भगवान गोरक्षनाथ ने योग को लोक कल्याण का माध्यम बनाया तो उनके अनुगामी नाथ पंथ के मनीषियों ने लोक कल्याणकारी अभियान को गति दी। गुरु परंपरा के लोक कल्याणकारी कार्यों के अनुगमन में गोरक्ष पीठ की गत संध्या 3 पीढ़ियां तो कीर्तिमान रस्ती नजर आती हैं। गोरखनाथ मंदिर के वर्तमान स्वरूप के शिल्पी ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज में लोक कल्याण के लिए शिक्षा को सबसे सशक्त माध्यम बनाते हुए 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। उद्दात्मना ब्रह्मलीन महंत ने गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अपने महाराणा प्रताप महाविद्यालय का एक भवन भी दान में दे दिया था। उनके समय में ही लोगों को हानि रहित व सहजता से उपलब्ध चिकित्सा सुविधा हेतु मंदिर परिसर में एक आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र की भी स्थापना हुई थी। अपने गुरु द्वारा शुरू किए गए इन प्रकल्पों को अपने समय में उनके शिष्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज ने विस्तार दिया। शिक्षा, चिकित्सा, योग सहित सेवा के सभी प्रकल्पों को नया आयाम दिया। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज के शिष्य एवं वर्तमान गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक कल्याण के लिए अपने दादा गुरु द्वारा रोपे और अपने गुरु द्वारा सींचे गए पौधे को वट वृक्ष सरीखा बना दिया है। किराए के एक कमरे में शुरू शिक्षा का प्रकल्प दर्जनों संस्थानों के साथ ही विश्वविद्यालय तक विस्तारित हो चुका है। इलाज के लिए गोरक्ष पीठ की तरफ से संचालित गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय की ख्याति पूरे पूरांचल में है। योग के प्रसार को लगातार गति मिली है। पीठ की गुरु परंपरा में लोक कल्याण के मिले मंत्र की सिद्धि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की भूमिका में भी नजर आती है। बांसगांव थाना क्षेत्र में फरार अभियुक्त शमशेर के घर पर लाउड स्पीकर से अनाउंस करके नोटिस चस्पा किया गया, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बांसगांव थाना क्षेत्र में एक लड़की गायब हुई थी, जिसके संबंध थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अभियुक्त शमशेर पुत्र मनीर ग्राम पाली खास थाना बांसगांव वांछे चल रहा है, जिसको देखते हुए न्यायालय ने भगोड़ा घोषित किया है, जिसकी मुनादी कराकर उसके घर पर नोटिस चस्पा किया गया तथा लाउड स्पीकर के माध्यम से सभी नागरिकों को बताया गया यह अभियुक्त इस मामले में फरार चल रहा है। अगर अभियुक्त जल्द ही न्यायालय नहीं आता है तो न्यायालय से आदेश कराकर उसके मकान की कुर्की की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, सुनो ग्रामवासियों, थाना बास गांव के वांछित अभियुक्त शमशेर पुत्र मनीर जो मुकदमा प्राप्त संख्या 80/21 धारा 363 366 354 368 IPC व 9/10 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त हैं। 351 हिंदू प्रतिषेध अधिनियम के तहत वांछित अभियुक्त हैं जो लगातार बदस्तूर फरार चल रहा है, जिनके विरुद्ध न्यायालय द्वारा 82 की कार्रवाई की गई है। अगर न्यायालय या पुलिस में हाजिर नहीं होते हैं तो धारा 83 की कार्रवाई कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। सुनो 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 ग्रामवासियों, पुनः एक बार सुने, शमशेर पुत्र मनीर की धारा 82 की कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय में हाजिर ना होने पर इनके घर की कुर्की की जाएगी। थाना बासगांव क्षेत्र में एक लड़की के गायब होने का मामला है, जिसमें 363/66 व अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत थे। अभियुक्त लगातार फरार चल रहा है, जिसकी वजह से जो माननीय न्यायालय की प्रक्रिया है उसके तहत उसे भगोड़ा घोषित किया गया 82 CRPC के अंतर्गत, और उसकी मुनादी करा करके उसकी 82 उसके घर पे चस्पा की गई है और आसपास लाउड हेलर के माध्यम से लोगों को बताया गया कि यह भगोड़ा अपराधी है, जहाँ कहीं मिले उसके बारे में सूचना दें, और अगर भगोड़ा अपराधी नहीं आता है तो माननीय न्यायालय से 83 CRPC के अंतर्गत आदेश प्राप्त करके इसके चल अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद पहुंचे गोरखपुर, विभिन्न कार्यक्रमों में लिया भाग। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, बुधवार को गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। सीएम योगी ने किया 464 करोड़ रुपए की लागत वाली 208 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। कहा, नियमित समय और संयमित जीवन से बदला यूपी के प्रति परसेप्शन। विकास परियोजनाओं का लाभ सबको, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र को, लेकिन कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं। नियत साफ हो तो मिलता है विधाता का भी साथ, संविधान के प्रति आग्रही बनाता है कानून का सम्मान। भाजपा के बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत सीएम ने शहर विधानसभा क्षेत्र के राप्ती नगर मंडल के 5 बूथों की समीक्षा। बूथ पदाधिकारियों से भाजपा के कमजोर रहने के कारणों की ली जानकारी। कहा, बूथ पर सक्रियता बढ़ाकर भाजपा को करें मजबूत। बूथ पदाधिकारियों अपने बीएलओ से मतदाता सूची को कराएं अद्यतन। हर लाभार्थी और आम लोगों से पार्टी कार्यकर्ता बढ़ाएं संवाद। बेमिसाल है गोरक्षपीठ की गुरु शिष्य परंपरा। गोरक्षपीठ और गुरु पूर्णिमा का है अटूट नाता। पीढ़ी दर पीढ़ी गोरक्षपीठाधीश्वरों ने अपने गुरु से प्राप्त लोक कल्याण की परंपरा को किया है विस्तारित। गुरु परंपरा के प्रतीक के तौर पर पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित है गोरक्षपीठ। फरार अभियुक्त शमशेर के घर पर लाउडस्पीकर से अनाउंस करके बांसगांव पुलिस ने किया नोटिस चस्पा। एसपी साउथ ने कहा, अगर अभियुक्त न्यायालय में नहीं करता है आत्मसमर्पण तो न्यायालय से आदेश लेकर मकान की कुर्की की जाएगी कार्यवाही। गोंडा पीएससी से आए 250 रिक्रूट की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर दीक्षांत परेड का किया गया आयोजन। एडीजी जोन अखिल कुमार ने ली पासिंग परेड की सलामी। आरक्षियों को संयुक्त रूप से पद एवं कर्तव्यों का कराया शपथ ग्रहण। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना। कच्ची शराब के एक व्यापारी को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 500 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 3 किलो यूरिया, 2 किलो नौसादर व 1 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का किया वितरण। कहा, 2017 के बाद समाज के हर एक व्यक्ति को योजनाओं का मिल रहा है लाभ। और गुरुवार को श्रावण पर जनपद के सभी मंदिरों की ड्रोन कैमरे से की जाएगी निगरानी। मंदिरों पर पुलिस कर्मियों की लगाई जाएगी ड्यूटी, एसपी सिटी ने दी जानकारी। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान, डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसढ़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। योर कलर चॉइस ना वेरी बोरिंग। ह्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन पूरे बाथरूम का लुक ही लिफ्ट कर देता है। व्हाट से यू लाइक इट चीकू? डॉगी को क्या पता कलर के बारे में? इट्स मैग्निफिसेंट एंड इट आल्सो कम्स इन गोल्ड एंड क्रोम ब्लैक एंड बाय द वे इट्स चीकू नॉट डॉगी। प्रेजेंटिंग ह्यूज बाय हिंदवेयर इटालियन कलेक्शन स्टनिंग कलर फॉसेट्स विद लॉन्ग लास्टिंग फिनिश दैट्स नोटिस्ड बाय एवरीवन। हिंदवेयर इटालियन कलेक्शन। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंपलीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853-59646। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905-844-992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस लाइन में 30वीं वाहिनी PSC गोंडा से 250 रिक्रूट आरक्षी का आगमन हुआ, जिसका आधारभूत प्रशिक्षण RTC प्रभारी मृत्युंजय राय की देखरेख में प्रारंभ हुआ। कुल 249 PSC रिक्रूट आरक्षी पुलिस लाइन गोरखपुर में वाह एवं अंत विषय की अंतिम परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिसमें से 247 PSC रिक्रूट आरक्षी उत्तीर्ण होकर दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुए। ADG जोन अखिल कुमार ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। आपको बता दें कि जिसमें सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले अभिषेक राय को प्रथम पुरस्कार, राघवेंद्र साहनी को द्वितीय पुरस्कार, अजीत पटेल को तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सभी प्रशिक्षुओं को दीक्षांत समारोह के बाद उनके नियुक्ति आवंटित वाहिनी से आए प्रतिनिधि के साथ भेजा जाएगा। इस अवसर पर SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई, SP लाइन राहुल भाटी, CO प्रशाली गंगवार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, परेड का सम्यक रूप से नेतृत्व संभालने परेड के शीर्ष स्थान पर जा रहे हैं और इसके बाद ही मार्च कमांडर राघवेंद्र साहनी शाबाश शाबाश और कायदा के उत्साह को देखकर बरबस ये कहना ही के पांव से कांटा निकाल कर देखो। आज ये समाज के रक्षक की परेड है, दीक्षांत समारोह है।
देखने मिली है। शाबाश शाबाश। और कैडेट्स के उत्साह को देखकर बर्बस ये कहना ही पड़ेगा कि जिंदगी भी मधुर गीत हो जाएगी, हर पराजय स्वयं जीत हो जाएगी और शूल भी फूल लगने लगेंगे तुझे, गर्व तक से तुझे प्रीति हो जाएगी। खास करके इतने समर्थ सक्षम दयालु समाज की सेवा करने वाले अपने 73 परिवार के मुखिया के सानिध्य में, उनके सानिध्य में शपथ ग्रहण करने का गौरव ही एक अलग सौरभ रखता है। शाबाश। पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा रखूंगा। एक पुलिस अधिकारी, एक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन विधि अनुसार पूर्ण साहस निर्भीकता तथा जनता के साथ शिष्ट सभ्य सौम एवं मधुर व्यवहार। शिवम सिंह साक्षात्कार, शिवम सिंह साक्षात्कार में प्रथम पुरस्कार शिवम सिंह के बाद उसका अभिषेक राय पदार्थ प्रतिष्ठा में आईपी प्रथम स्थान आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब पुरस्कार अभिनंदन करता हूं। आज करीब 250 पीएससी रिक्रूट आरक्षी प्रशिक्षण पूर्ण करके उत्तर प्रदेश पुलिस में ट्रेनिंग के पश्चात अपना कार्य शुरू करेंगे। आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस में स्वागत और बधाई। मैं न केवल आपको बधाई देता हूं, आपके जो समस्त परिजन हैं उनको बधाई देता हूं, क्योंकि ये जर्नी ये यात्रा आपकी व्यवसाय नहीं रही है। कई वर्षों की मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम आपको इस समय पर स्थान के लाया। आज जो एक गदारण माहौल है, एक बहुत मेहनत आपने प्लान पर ग्राउंड भी किया है, सीख रहा है ग्राउंड की चारों, जो आपने ग्राउंड की कायाकल्प पिछले दो दिन में मेहनत अच्छी बढ़ती और आपके रनिंग हिसाब से आपकी धरती ये कई वर्षों की मेहनत के बाद ही स्थान पर आदमी पहुँचता है। कई परिवार जनों का त्याग तपस्या आपकी स्वयं की त्याग और तपस्या ही आपको यहाँ तक लाते हैं। कठिन ट्रेनिंग के बाद जिसमें आपने कई विषय वस्तु को समझा होगा सीखा होगा। देखिए आज गोरखपुर पुलिस लाइंस में हमारे जो नए रिक्रूट्स हैं उनके दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है। इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में एडीजी जोन सर द्वारा परेड की सलामी ली गई है। बहुत ही भव्य परेड का यहाँ पर आयोजन हुआ है। हमारे जो नए रिक्रूट्स हैं
जो आज पासिंग आउट परेड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं। मैं उन सभी को, उनके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस गौरवशाली बल का वो हिस्सा बनते हुए इसका नाम और रोशन करेंगे और प्रदेश की सेवा में अपने आप को समर्पित करेंगे। आज 250 के आसपास जो हमारे रिक्रूट कांस्टेबल्स हैं उनकी यहाँ पर पासिंग आउट परेड हुई है और अब यहाँ से प्रशिक्षण के बाद ये PAC में ज्वाइन करेंगे। राजघाट पुलिस ने कच्चे शराब के 7 व्यापारी को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को अमरूद बाग चकरा दोयम से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान प्रदुम पुत्र पाहुल निवासी कठूर थाना रामगढ़ताल जिला गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 500 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 3 किलो यूरिया, 2 किलो नौशादर, 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक अनुप कुमार मिश्र, कांस्टेबल मंगलदीप यादव, अंजनी राय, अर्जुन शर्मा शामिल रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PM स्वनिधि योजना के 2, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 2, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के 2, मुख्यमंत्री आवास योजना के 2, आयुष्मान भारत योजना के 2, उद्यान विभाग के 2, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चेक, स्वास्थ्य बीमा योजना के 2 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया। उन्होंने कहा, शासन की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ समाज के हर एक व्यक्ति को मिले। पहले की सरकारों में लोगों को लाभ नहीं मिलता था, ना ही सरकारें इस पर कुछ ठोस कदम उठाती थी। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में शासन की योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा नेता भानु प्रकाश मिश्रा और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा, इसी क्रम में श्री प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं श्रीमती संजू देवी। अगला क्रम है श्रीमती संजू देवी। मंच पर सामने श्रीमती संजू देवी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित हो रही है। आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रही है लाभार्थी। पहला नाम कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत श्री राजन सिंह, आगे कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के तहत श्री राम केवल सिंह तैयार रहेंगे। अगला नाम है श्री तैयार रहेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती सुमित्रा। इधर राम केवल जी, इधर देखो सामने, इधर इधर स्माइल। प्रधानमंत्री तैयार रहेंगे श्रीमती सरस्वती, सामने देखिएगा सुमित्रा जी, देखिए सामने, अरे सुमित्रा जी। मंच पर सामने है श्रीमती ये चाची, इधर तक पहचानते हैं। मंच पर है श्रीमती सरस्वती। आयुष्मान लाभार्थी है श्री सरबाज अहमद। भाई भाई सामने तैयार रहेंगे श्री सरबाज अहमद। पाली हाउस योजना के अंतर्गत श्री अनिरुद्ध मौर्य, मौर्य जी इधर, श्री श्री राम निवास यादव।
तैयार रहेंगे श्री राम निवास यादव। अंतर्गत माँ अंबे महिला स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत श्रीमती कविता चौधरी, महिला स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत श्रीमती रितु देवी, पार्वती महिला स्वयं सहायता के अंतर्गत श्रीमती रितु देवी, स्वच्छ भारत मिशन SBM के अंतर्गत लाभार्थी हैं श्री प्रमोद कुमार पांडे। सामने मंच पर हैं श्री प्रमोद कुमार पांडे, अगस्त्य पांडे। ₹463 करोड़ की योजनाओं का आज भूमि शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संपन्न हुआ। ये गोरखपुर नगरवासियों के और जनपद वासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। जब से मुख्यमंत्री जी का ये दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ है, निश्चित रूप से विकास की एक बयार यहाँ पर बह चली है और उसी बयार के तत्वावधान में आज 463 करोड़ की योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। इससे हम सब गौरवान्वित हैं और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले विगत 5 वर्षों में जो मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल है, गोरखपुर एक निश्चित रूप से ऐसा प्रदेश का ऐसा जनपद होगा कि लोग यहाँ पर आके देखेंगे कि गोरखपुर में कौन सा विकास हुआ, इस उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुआ, ये एक मिसाल बन के हम लोग के सामने आएगी। आज बहुत से लोगों को प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मकान मिले हैं, तमाम लोगों को गरीबों में शौचालय वगैरह का भी हुआ है और तमाम बहुत सी परियोजनाएं जैसे सड़कों का जाल बिछा है उसका भी इन्होंने लोकार्पण भी किया है और आगे जो है वो बनाने भी जा रहे हैं, वो भी प्रोजेक्ट्स बहुत से हैं। तो पिछले 2017 में जो उत्तर प्रदेश में जनता ने योगी जी को सरकार बनाया भारतीय जनता पार्टी की, और पिछले 5 वर्षों में जितना कार्य योगी जी ने जिस तत्परता से काम किया, चाहे वह सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह शौचालय के क्षेत्र में हो या मकान के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में महाराज जी ने जो है बढ़ चढ़ के सब जनता का सहयोग किया। और गुंडा राज तो एकदम समाप्त ही कर दिया उन्होंने, उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा था वह समाप्त हो गया। आज पुनः 2022 में जो चुनाव हुई, आम जनता ने ये भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को इसी प्राथमिकता से चुना कि पुनः 5 वर्ष इनको और दे करके खूब अच्छा कार्य उत्तर प्रदेश का विकास होगा। योगी जी मोदी जी की जो जोड़ी है यह सदैव कायम रहेगी और निरंतर विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। योगी जी के अंदर एक अच्छी भावना है। आज गोरखपुर में जो पहले गोरखपुर हम लोग देखते थे, आज गोरखपुर क्या है यह हर आदमी देख रहा है, चाहे वो सड़कें हों, चाहे चिड़ियाघर हो, आपका एम्स हो, फर्टिलाइजर जो बनता वो है, ये सब खुल गए, एयरपोर्ट का कितना बड़ा विस्तार हुआ, तमाम कनेक्टिविटी हो गई। तो इस तरह से जो है आए दिन एक एक नई नई योजनाएं आती जा रही हैं और विकास होता जा रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश विकास की गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में, और यह आने वाला 5 वर्ष इससे भी बढ़ चढ़ के योगी जी के नेतृत्व में काम होगा। मैं आम जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि योगी जी में उन्होंने विश्वास किया, मोदी जी में विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया। पुनः 2024 में केंद्र सरकार का चुनाव फिर होने जा रहा है और पूरे भारी बहुमत से जनता जो है मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री चुनेगी, बनाएगी, यही मेरी जो है आप सबसे विनती है। जनपद में गुरुवार को सावन पर्व पर मंदिरों की ड्रोन कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जाएगी, जिसके संबंध में SP City कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि सावन पर्व पर सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होती है, जिसको देखते हुए झारखंडी मंदिर, मुक्तेश्वर नाथ मंदिर, गोरखनाथ मंदिर पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिससे कि किसी श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े और आराम से सभी लोग दर्शन व भगवान शिव को जल चढ़ा पाएं। इसके अलावा मंदिरों की ड्रोन से निगरानी की जाएगी, जिससे कि अराजक तत्वों पर नजर रखी जा सके। मंदिरों पर एम्बुलेंस और फायर विभाग की गाड़ियां रहेंगी, जिससे कि अगर किसी श्रद्धालु की तबीयत खराब होती है तो उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP City कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा,
गोरखपुर में सावन के महीने के आगमन पर श्रद्धालुओं में काफ़ी संख्या में भीड़ उमड़ने की आशंका है। इसी के मद्देनज़र जनपद गोरखपुर में झारखंडी मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, इसके अलावा अन्य मंदिरों पर भी सुरक्षा चाक चौबंद हो, श्रद्धालु आराम से अपना दर्शन कर पाएँ, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। पुलिस बल के साथ साथ ड्रोन एवं अन्य उपकरणों से भी सुरक्षा रखी जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, एवं साथ में फायर एवं एम्बुलेंस इस तरह की सुविधा रहेंगी। अगर किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई हानि हो तो उसको तुरंत मेडिकल हेल्प भी प्रदान की जा सके। थैंक यू। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। तीन दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद पहुंचे गोरखपुर, विभिन्न कार्यक्रमों में लिया भाग। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, बुधवार को गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। सीएम योगी ने किया 464 करोड़ रुपए की लागत वाली 208 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। कहा, नियमित समय और संयमित जीवन से बदला यूपी के प्रति परसेप्शन। विकास परियोजनाओं का लाभ सबको, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र को, लेकिन कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं। नियत साफ हो तो मिलता है विधाता का भी साथ, संविधान के प्रति आग्रही बनाता है कानून का सम्मान। भाजपा के बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत सीएम ने शहर विधानसभा क्षेत्र के राप्ती नगर मंडल के 5 बूथों की समीक्षा। बूथ पदाधिकारियों से भाजपा के कमजोर रहने के कारणों की ली जानकारी। कहा, बूथ पर सक्रियता बढ़ाकर भाजपा को करें मजबूत। बूथ पदाधिकारियों अपने बीएलओ से मतदाता सूची को कराएं अद्यतन। हर लाभार्थी और आम लोगों से पार्टी कार्यकर्ता बढ़ाएं संवाद। बेमिसाल है गोरक्षपीठ की गुरु शिष्य परंपरा। गोरक्षपीठ और गुरु पूर्णिमा का है अटूट नाता। पीढ़ी दर पीढ़ी गोरक्षपीठाधीश्वरों ने अपने गुरु से प्राप्त लोक कल्याण की परंपरा को किया है विस्तारित। गुरु परंपरा के प्रतीक के तौर पर पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित है गोरक्षपीठ। फरार अभियुक्त शमशेर के घर पर लाउडस्पीकर से अनाउंस करके बांसगांव पुलिस ने किया नोटिस चस्पा। एसपी साउथ ने कहा, अगर अभियुक्त न्यायालय में नहीं करता है आत्मसमर्पण तो न्यायालय से आदेश लेकर मकान की कुर्की की जाएगी कार्यवाही। गोंडा पीएससी से आए 250 रिक्रूट की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर दीक्षांत परेड का किया गया आयोजन। एडीजी जोन अखिल कुमार ने ली पासिंग परेड की सलामी। आरक्षियों को संयुक्त रूप से पद एवं कर्तव्यों का कराया शपथ ग्रहण। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना। कच्ची शराब के एक व्यापारी को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 500 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 3 किलो यूरिया, 2 किलो नौसादर व एक मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का किया वितरण। कहा, 2017 के बाद समाज के हर एक व्यक्ति को योजनाओं का मिल रहा है लाभ। और गुरुवार को श्रावण पर जनपद के सभी मंदिरों की ड्रोन कैमरे से की जाएगी निगरानी। मंदिरों पर पुलिस कर्मियों की लगाई जाएगी ड्यूटी, एसपी सिटी ने दी जानकारी। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।